ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे चैनल चमकती किस्मत में। मैं वेद पंडित आप सभी का फिर से हमारे चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों यहां हम हर रोज़ आपको कुछ ऐसी बातें बताते हैं जिन्हें अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपनाने से आपको आपके कार्यों में सफलता मिलती है। जी हाँ दोस्तों, हम हर रोज़ भगवान गणेश जी से आपके और आपके परिवार की कुशलता और सफलता के लिए प्रार्थना करते हैं और उम्मीद करते हैं आप लोग अपने परिवार के साथ एक अच्छा जीवन यापन कर पाएंगे। दोस्तों आज हम आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं जिसे यदि आपने हमारे बताए अनुसार कर लिया दोस्तों तो आपके सारे कष्ट देखते ही देखते समाप्त हो जाएंगे और अगर आपको धन की भी ज़रूरत है तो वह भी निरंतर आपके पास आता रहेगा, उसकी वृद्धि होगी। जी हाँ, लेकिन इससे पहले हम आगे बढ़ें, हम आपसे कहना चाहेंगे यदि आप पहली बार हमारे चैनल चमकती किस्मत पर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें जिससे कि जिन लोगों को भी इन उपायों की ज़रूरत है वह भी इन उपायों का पूर्ण लाभ उठा सकें। दोस्तों अब हम अपने विषय पर पुनः वापस आते हैं। आपको करना यह है दोस्तों कि आपको यह उपाय पहली बात सोमवार को ही करना है और गुप्त तरीके से करना है। इन दोनों बातों का ध्यान रखें। आपको काले धतूरे का वृक्ष ढूंढ लेना है जो आपको मिल जाएगा, आसानी से ना सही लेकिन ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। दोस्तों इसे जंगली धतूरा भी कहते हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। जब आपको ये मिल जाए तो आप इसे रविवार के दिन जाके निमंत्रण दे आएँ और उसके बाद आप अगले दिन सोमवार को जाके चाहे सुबह या शाम आपकी भी मर्जी, सुबह शाम किसी भी वक्त जा सकते हैं, वहाँ जाके इसकी जड़ को ले आएँ। दोस्तों जी हाँ, इसकी जड़ को लाने के बाद आप सादे पानी से मतलब साफ़ पानी से इसे धोएं, उसके बाद इस पर गंगा जल छिड़कें, उसके बाद इस पर गौमूत्र छिड़कें। दोस्तों सफ़ेद चंदन का इस पर लेप लगाएं और ध्यान रखें कोई भी लाल वस्तु इससे दूर रखें, इसलिए कुमकुम रोली इससे दूर रखें। और उसके बाद दोस्तों आपको करना यह है, एक साफ़ सुथरा काला कपड़ा लाना है, यदि आपके पास नहीं है तो बाज़ार से ले आएँ खरीद के, उसमें इसे लपेट के रख दें दोस्तों। और उसके बाद आप चाहें तो इसे अपने पूजा घर में रख सकते हैं। पूजा घर में रखेंगे तो जैसे आप रोज़ भगवान माता रानी की पूजा करते हैं वैसे इसकी भी पूजा करिएगा पूजा घर में रख के, और तब ये एक इच्छा पूर्ति वाले जड़ बन जाएगा। आप जो भी इच्छा है वो आप इसे रोज़ मांगें, आपकी वह इच्छा जल्द से जल्द पूरी हो जाएगी। लेकिन यदि आपको कोई ऐसी इच्छा नहीं पूरी करवानी, आपको सिर्फ धन चाहिए तो दोस्तों आप इसे अपने धन पेटी में रख दें, अब चाहे वो आपकी तिजोरी हो, अलमारी हो या जहाँ भी आप रखते हो, फिर ये आपकी धन में वृद्धि करेगा, निरंतर धन आता रहेगा, आपकी तिजोरी कभी धन से खाली नहीं होगी, नए नए रास्ते बनेंगे। दोस्तों ये सुनने में साधारण लग रहा है लेकिन यह असाधारण चीज़ है, यह इस तरीके से चमत्कारिक लाभ देगी आपको कि शायद आपने भी नहीं सोचा होगा दोस्तों। लेकिन इसे गुप्त तरीके से करें और सोमवार के दिन ही करें और एक दिन पहले आप यानी रविवार को एक बार निमंत्रण जरूर दे आएँ। बाकी आप कर्म करते रहें दोस्तों, धतूरा महादेव को बहुत प्रिय है, उनकी आप पे असीम कृपा हो जाएगी, जिसकी महादेव पे असीम कृपा हो जाए उसका बेड़ा पार है। हम उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो और इसमें दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अब हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।